हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप जैसे इसका वेट कर रहे थे, इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि सर कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक के ना कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाओ। हम लोग वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ, वेट नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और काफी मतलब डेटा अपने को जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना डेटा मिला नहीं। ठीक है, चलो क्लासेस करा रहे थे, अंतिम मॉक में 17,000 18,000 इवन 20,000 22,000 30,000 व्यू जा रहे थे क्लासेस पे। ठीक है, जो हम लोग साइंस करा रहे थे, लास्ट में जो मॉक करा रहे थे, इस तरीके से व्यूज जा रहे थे। ठीक है, बट जब डेटा फिल करने की बारी आई तो 3,500 बच्चे सिमट गया, डेटा दिए नहीं। तो एग्जैक्टली डेटा उन्होंने दिया नहीं, बाकी जिन्होंने डेटा दिया है, ध्यान से सुनो, वो काफ़ी सीरियस कैंडिडेट है। मतलब सीरियस इन द ये नहीं कि वो काफ़ी बीमार हैं, ऐसा नहीं। सीरियस मतलब वो अपने स्टडी को लेके सीरियस है। डेट्स वाई ये डेटा जो मैं देने वाला हूँ यहाँ पे आपको, जो बताने वाला हूँ, वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो करेक्ट होगा। ठीक है, 99% चांसेस है कि वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, और बाकी जो मतलब वो मतलब होता है ना कि बिन मौसम बरसात कभी भी आए, पर बिन मतलब मौसम है चाहे नहीं है, बरसात की तरह आए और निकल गया, वही थे बाकी 20,000 25,000 30,000 व्यूज वाले। ठीक है, बाकी जो रेगुलर कैंडिडेट थे और काफ़ी डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे थे उनके डेटा मैं बताऊंगा। और इसको बताने से पहले जनरली मैं एक्सेस कभी कहता नहीं, बट कहूंगा कि ऊपर वाला करे, भगवान करे कि मैं जो बता रहा हूँ वो सब गलत हो जाए, क्योंकि मैं जो अभी बताने वाला हूँ ना वो सुन के काफ़ी लोग पैनिक क्रिएट करेंगे और कहेंगे भाई तूने गलत बताया, या भाई आपने गलत बताया, सर आपने गलत बताया, डायरेक्टली वो कहेंगे। देखो, मैं वो चीज़ें डायरेक्टली कभी नहीं बोलता हूँ जो आपको पसंद है, मैं वो बोलता हूँ जो फैक्ट हो और जो आपके काम के लिए हो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चल बोल, तुझे कितना कट ऑफ चाहिए, तो सर मुझे 40+ चाहिए, खाली 40+, चल ठीक है जा चला जाएगा। बट एग्जाम में एक्चुअली पता चला कि 50 कट ऑफ गया, तो फिर बाद में कहोगे कहाँ गया भाई, मारे इसको पकड़ के। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, मैं वो नहीं कहूँगा जो आपको पसंद है, मैं वो बोलूँगा जनरली जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जैसे मैं हर बार सही निकलता हूँ, इस बार भी देखता हूँ क्या होता है। बट यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी देखनी होगी। जीडी की तो काफ़ी ठीक है, सटीक लगेगी अपनी, डीबी की भी काफ़ी सटीक लगेगी, बट जहाँ तक मुझे डाउट होगा मैकेनिकल के अंदर होगा, बिकॉज मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा गेम है सर, इसके अंदर बहुत ही पुअर कंडीशन होता है ना, जैसे कुछ कुछ चीज़ में सीट ही नहीं है, और है भी तो मतलब देख लो, मैकेनिकल के अंदर 5 है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 है जनरल का, इवन ओबीसी के अंदर 7-3-2 का, मतलब काफ़ी मतलब एग्जैक्टली नहीं लग पाता है, काफ़ी मतलब इसके अंदर आपको डिफरेंस दिखेगी। बट ठीक है, चलो हम लोग जीडी और डीबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कह दूँ डेटा बहुत ज़्यादा मिला नहीं है, 3,500 के आसपास समझ लो यही डेटा मिला है ओवरऑल मिला के, और टेलीग्राम पे तो मिला ही नहीं बिल्कुल, पता नहीं। और फिल करने में डर रहे हैं लोग की समझ, उनको लगता है क्या करवा रहे हो भाई, क्या फिल कर रहे हो, मतलब जो भी है क्या समझ रहा पता नहीं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी वाइज कितने बंदे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ओबीसी वाले बंदे हैं, ठीक है, अराउंड 41.1% हमारे पास ओबीसी वाले बंदे हैं। फिर जनरल कैटेगरी के बच्चे हमारे पास 23.6%, फिर ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के सब कैटेगरी हैं, जनरल से ही निकल के आए हैं 10.6%, फिर एससी की कैटेगरी के बच्चे 20.9%। अब यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बताऊँगा जनरली यूआर एंड ओबीसी का बताऊँगा, ध्यान से सुनना। बाकी आप अगर एससी से हो, अगर एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आप इतना समझ लो कि आपका कट ऑफ यूआर और ओबीसी से कम जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा पर्याप्त है नहीं कि हम उतना लेवल तक सबको कैटेगरी वाइज बता दें, इतने बच्चों ने सबमिट किया ही नहीं है। ठीक है, बट आप एक ब्रीफ आइडिया मतलब एक अच्छा सा आइडिया लगा सकते हो जनरल ओबीसी के कट ऑफ को जान के। सबसे पहले हम लोग चलेंगे डीबी के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल डीबी के देखो 60 नंबर का पेपर था, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूँ 60 में, तो 60 नंबर लाने वाले ना के बराबर होंगे। देखो, ये अगर आपको लगता है ना कि 20-30 लाने वाले भी कुछ बंदे हैं, 20 से 30 नंबर लगता है उनको सही है, तो वो भी कुछ बंदे हैं। बट अगर आपको लगता है कि हमने चलो 40 सही कर दिए, तो वो जरूरी नहीं कि आपके 40 सही हो जाए, ठीक है। मान लो आपने 40 मारा ही करेक्ट है और उसमें से 20 तुक्का मार दिया, इवन बहुत सारे लोगों ने तुक्का भी नहीं मारा, छोड़ दिया है, 85 मार के छोड़ दिया है, किसी ने 40 मार के 20 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, छोड़े क्या हो भाई, मतलब शगुन चाहिए क्या मारने के लिए, भी क्वेश्चन मारने के लिए शगुन चाहिए था क्या आपको, सुबह मुहूर्त की वेट कर रहे थे, क्या थे, टाइम नहीं बचा भाई, टाइम नहीं बचा। मैंने लास्ट में पहले ही बताया था ना एग्जाम के लास्ट डेट, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले कहा था आपसे कि देखो 5 मिनट का निकाल के बाकी तुक्का के लिए रखना, ठीक है, लास्ट में 5 मिनट सवाल पे मत देना, सारे क्वेश्चन का तुक्का मार देना, बट आपने मारा नहीं, छोड़े, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, मैं सुन रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे खतरनाक तरीके से। सबसे मैक्सिमम स्कोर करने वाले बच्चे क्या हैं, 40+, बट नॉट इन द सेंस कि 50+, ठीक है। अब सुनो, 40+ वाले की मेजोरिटी है यहाँ पे, ऑब्वियसली इतना करना भी आसान था, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं कहूँ ना, किसी भी कैटेगरी का 40 से नीचे कट ऑफ जाने वाला है नहीं, मैं एसटी के बारे में भी कह लूँ तो वो भी नहीं जाने वाला, इवन एससी का भी नहीं जाएगा, एसटी का भी नहीं जाएगा 40 से नीचे, तो डीबी के अंदर पूछने का ही नहीं। आप अगर 40 से कम स्कोर कर रहे हो, चुपचाप निकल लो, किसी और एग्जाम की तैयारी करो, या फिर इसी एग्जाम की अगली बार की तैयारी करो, अभी से लग जाओ, मैं यही कहूंगा। बाकी 40 से नीचे आने पे कोई चांस नहीं बनता। 40 नंबर भी एग्जैक्टली
मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि नहीं होगा। अगर एसटी से हो तो देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट अगर आप यूआर से तो और ओबीसी को कोई पूछेगा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं देगा 40 नंबर वाले को, मैं क्लियर कह रहा हूँ। देखो मैं फिर से कह दूं कि अगर हम डीवी के बारे में बात कर लेना, डीवी के बारे में तो जस्ट यूआर की 16 थी और ओबीसी की 10 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी थी, एसटी की 6 और एससी के 3। तो यहाँ मैं बताऊँ क्या लगता है, अगर यूआर की 16 है, ओबीसी के यहाँ पे देख लो आपके 10 वैकेंसीज है, तो ऑल ओवर इंडिया मतलब देखो हमारे पास तो आराम से 3,000 के आसपास डेटा मिल गया। तो क्या इन 3,000 में, चलो ठीक है, अगर 1,000 बच्चे भी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं ना, 3,000 में हम लोग मान लो बांट लेते हैं, ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली 3,000 में, मान लेते हैं जीडी वाले हैं, मान लेते हैं डीबी वाले हैं, यांत्रिक वाले, 1,000 दे दो सबको दे दो, ठीक है हमारे पास जो डेटा है। तो क्या इन 1,000 में सारे के सारे चौपट हैं? इन 1,000 में ऐसे 5 बंदे भी नहीं होंगे ओबीसी वाले जो आराम से 50+ क्रॉस करेंगे? आपको क्या लगता है? आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत आराम से मिल जाएंगे जो कि 50+, क्योंकि उन्होंने ना 47 तक तो आराम से करेक्ट डेटा मतलब मार रखा है, बाकी के जो 13 क्वेश्चन बचे हैं उसमें तुक्का भी मार दिया, उसमें से 3 भी सही हो गया ना तो वो 50 नंबर ले लेगा, 4 सही हो गया तो 51 नंबर ले लेगा, 51 आराम से जाएगा। तो पहले उसी को बुलाएंगे, ऑब्वियसली पहले उसी को बुलाएंगे, ठीक है, अगर जो बंदा 51 ला रहा है और उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं 9 कम नंबर वाले, तो 51 वाले को लाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेना, अगर यहाँ पे एक चीज मैं पहले कह दूं कि ओबीसी की मेजोरिटी हमारे पास है, और एक चीज मैं बताऊं, यूआर का कट ऑफ, यूआर की सीट को ऑक्यूपाई करते हैं ओबीसी वाले भी, तो इसलिए यूआर की ज्यादा जाती है। यूआर ऐसा नहीं कि सारे यूआर के अंदर मतलब एक से एक टैलेंटेड बंदे भरे हैं, इतना कट ऑफ जा रहा है, ये रीजन नहीं होता, आप लोग गलत सोचते हो। यूआर का कट ऑफ जाने का मतलब ये, इसके अंदर किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, ये अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी घुस सकता है, ठीक है। अगर ओबीसी वाला बंदा देखो, मान लो अगर यूआर के ना 100 बच्चे एग्जाम दे रहे, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, उन 100 में से 100 ने मान लो सारे 50 50 49 ऐसे जा रहे, मान लो 4 बंदे ना 50 50 नंबर ले आए हैं, अगर एक बंदा इधर से आया ओबीसी वाला 51 ले के आ गया, ठीक है डीबी के लिए, फटाक से उसको यूआर के अंदर डाल दिया जाएगा, चल भैया तू ओबीसी का सीट छोड़ दे, पीछे से आने दे किसी और को, तो यूआर के अंदर आ जाए, क्योंकि उसने यूआर का कट ऑफ 50 से ज्यादा ला दिया, यूआर के बंदों से ज्यादा स्कोर कर रखा गया, उसको यूआर के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब वो यूआर की कट ऑफ बढ़ा दिया 1 नंबर ऐसे करके, ये रीजन है कि यूआर की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। और इस बार भी मैं कहूँ ना कि ऑब्वियसली देखो सुनो, यूआर की कट ऑफ में फिर से कहने वाला हूँ ना कि 50+ रहेगी, ठीक है, अराउंड से मैं कहूँ ना कि 50+ या फिर 50 के, देखो 50 मैं यूआर का रख रहा हूँ डीवी के लिए, सुनो ये जो है ना डीवी क्या है, और इस बार का पेपर का लेवल आप कैसा सोचते हो मुझे नहीं पता, बट मैं कह रहा हूँ पिछली बार से मैं जो रिव्यू करा रहा था, ठीक है, हर साल तो देखो बहुत कम ही क्वेश्चन मिलता है, इजी क्वेश्चन ही बच्चे देते हैं, बट इजी से भी इजी मुझे ऐसा लगा, और मेरे जो प्रॉपर स्टूडेंट थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया इस बार के सिटी, मतलब इस बार के एग्जाम्स में, तो मुझे ऐसा लगता है यूआर वाले जो बच्चे हैं ना इस बार, आप अपना कट ऑफ 50 के आसपास रख लो, क्योंकि सीट नहीं है, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो इतना थोड़ी जाएगा, इतना, अरे भैया इतना नहीं, किसे नहीं जाएगा बताओ, खाली यहाँ पे 16 को सीटें है यूआर का, और 16 को में ओबीसी वाला घुस जाएगा, कुछ एससी एसटी का भी यूडब्ल्यूएस का बंदा होगा जो घुस जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्या लगता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया जैसे 16 बच्चा नहीं होगा जो मतलब 50+ स्कोर करेगा? क्या लगता है, मतलब सारे बेवकूफ भरे हैं क्या इसके अंदर? आराम से 50+ -2, प्लस ही समझ लो, टू माइनस मत समझना, 50 से कम नहीं समझना, +2 समझ सकते हो, माइनस नहीं, 50 से 52 के बीच में आप समझ सकते हो यूआर के कट ऑफ डीबी के लिए, मेरा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा भगवान करे कि मेरा एक्सपेक्टेशन गलत हो जाए और आपका सबका नौकरी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वहीं पर अगर ओबीसी के बारे में बात कर लेना, ओबीसी भी आराम से किसी से कम नहीं रहेगा, ये भी आराम से 48 से 50 के बीच में जाएगा कट ऑफ इसका, ठीक है, क्योंकि ये देखो इतना मार्क्स लाना, ठीक है, 50 से 52 मैंने बोला यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 48 से 50। अब इसके नीचे जो है ना ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ लोगे, ये भी 46 के अराउंड, 46 से 47 के पास में रहेंगे, ये भी किसी से कम नहीं है। बाकी इनसे और एससी एसटी के जो भी, सुनो ध्यान से, एससी एसटी जो है ना ईडब्ल्यूएस से कम नहीं रहने वाला, इसके बराबर या फिर इसके करीब रहेंगे, ये चीज समझ लो, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी तीनों एक दूसरे के आसपास रहने वाले हैं, किसी को कम मत आंकना आज के टाइम पे, क्योंकि कम आंक के भी क्या उखाड़ लोगे, सीट देखो उनको मिला नहीं है, 6 सीट है एसटी के तो 6 सीट है, और एससी वाले में जो ज्यादा मैक्सिमम कट ऑफ जाती है, जिसकी एससी का कट ऑफ कभी कभार एसटी से ज्यादा जाता है, कभी कभार क्या मैक्सिमम प्रोसेस में ये एससी ही ज्यादा जाता है, तो 3 सीट है, तो एससी वाले ले जाएंगे ईडब्ल्यूएस के पास में। और मैं इस बार कह दूं एक चीज फिर से, वो देखने के लिए मिल सकता है एससी वाले की वो ओबीसी के काफी नजदीक आ सकते हैं कट ऑफ उनका।
अब इनमें से ना अगर जो लोग सोच रहे हैं कि 45 वो भी सीखा जाएगा, मैं कह रहा हूं कि ये अपने लाइफ का सबसे बड़ा गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। बाकी चलो भगवान से यही दुआ करो कि धीरज कुमार इस बार गलत हो जाए और 45 कट ऑफ चल जाए ओबीसी का या फिर यूआर का, बट जाने वाला नहीं। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया, यूआर अगर हो 50 से 52 के बीच में कट ऑफ आराम से जा सकती है, ओबीसी 48 से 50, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी 46 से 47 के करीब जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि वो सेफ जोन में है, ठीक है। बट कट ऑफ से एक नंबर ज्यादा अगर मान लेते ना कि ओबीसी का 49 जाता है, अगर आपका 50 है, ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बट ये गारंटी भी नहीं है कि आप छट जाओ, रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। आप एक तरीके से 50-50 चांस में लोगे, 50% भी लाके, ठीक है, 50 मार्क्स भी लाके, क्योंकि आगे मैटर करता है फिजिकल मेडिकल। हो सकता है कि अच्छे स्कोर वाले निकल जाए, तो फिर ये जो बॉर्डर पे जो बच्चे हैं ना, जस्ट कट ऑफ क्रॉस कर ही रहे, वो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो ये तो रहा डीबी का सीन। अब जीडी के बारे में कह सकते हैं, जीडी का पल रहा है इस बार मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं देख लूँ ना कि थोड़ा सा इस बार पिछली बार से थोड़ा सा डाउन जाने वाला है। रीजन क्योंकि मुझे लगता है सर ना, जीडी इस बार का डिफिकल्ट रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जीडी इस बार का पिछली बार से डिफिकल्ट रह रहा है, मतलब रह चुका है। और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस तो नहीं करूंगा, बट फिर भी देखो यहाँ पे मेजोरिटी जो कह रहे हैं ना कि हमारे 70+ है, बट 80 से कम है, 70+ है 80 से कम है, ये भैया नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसे मेजोरिटी में ये नहीं है जो कि 70+ सही कर रहे होंगे, ऐसे बहुत रेयर बच्चे दिखेंगे। बट यहाँ पे या तो उनको गलत लग रहा है या फिर गलत फील किया है, आपको लग रहा है ना कि हमारे 70 के आसपास सही है, मुझे नहीं लगता कि 70 के आसपास इस बार का आपने शिफ्ट में जीडी के अंदर मार दिया होगा। तो मेजोरिटी जहां तक है ना, कि मेजोरिटी 60+ सही वाले हैं, 60-70 वाले जीडी के अंदर बहुत ऐसे दिखेंगे जिनका मार्क्स बहुत लोगों का 60-70 आ रहा है। फिर भी जीडी की अगर सीट के बारे में बात कर लें तो यूआर की 87 है और ओबीसी की 48 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा मेरा जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अगर यूआर की भी कर लो ना तो ये 72 से कम नहीं जाने वाली जीडी के अंदर, ठीक है। और 72 ये ना एक घटिया कंडीशन में होगी, ध्यान से सुनना, एक घटिया कंडीशन जब आएगा ना तब 72 जाएगा। मैंने मिनिमम बताया है, मिनिमम इसकी बारे में की है कि इससे नीचे अगर आप हो ना तो फिर आप जीडी की यूआर वाली ड्रीम मत रखना। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, बहुत ही घटिया कंडीशन बताया है 72। अब देखो एक चीज मैं कह रहा हूँ कि इतना बुरा भी हाल नहीं होगा ना कि 110 में से 60 चल जाए यूआर का जीडी के लिए, इतने भी बुरे नहीं है हम, ठीक है। क्योंकि सेक्शन वन बहुत सारे लोगों का अच्छा गया है, सेक्शन टू फिर भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो सेक्शन वन में, अच्छा स्कोर करते हो, यूआर में देख लो अगर आप 72 या फिर इससे प्लस हो तो चांसेस हैं आपके इस बार बन जाए, बट इससे प्लस जाएगा, इससे नीचे आने का कोई चांस नहीं है। और हाँ जीडी का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा निकाल के लाऊं, बट उतना एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाऊंगा ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए। पहले मैं बोलूँ अगर आप हो ओबीसी तो आप भी आराम से 70 के आसपास लटके रहना, ठीक है। 70 से डाउन जाना थोड़ा सा रिस्की है, 70 या फिर 70+ आने के बारे में ही सोचना, ठीक है ना। ये जो है मेरा डेटा कह रहा है, हो सकता है कि ओबीसी का आप 68 से 70 चला जाए, बट मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 के करीब रह सकता है इस बार, बाकी सारे लोग हैं इसके नीचे ही रहेंगे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है। बाकी अगर कह रहे हैं एससी एसटी के बारे में तो ये 66 के अराउंड भी रह सकता है, बट उनका डेटा हमारे पास एफिशियंट नहीं है और हम नहीं जा पा रहे उतने, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं यूआर और ओबीसी का यहाँ पे, और इससे नीचे मेरे लिए संभव नहीं है, बता पाऊँ पाप हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये यांत्रिक है, और यांत्रिक का सर मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि आप सुनने से पहले कान बंद कर लेना, ठीक है। मैं यही कहूंगा यांत्रिक यूआर नहीं भी अगर जाया ना, मैं कह रहा हूँ यूआर का अगर नहीं भी गया तो अराउंड 80 के पास जाएगा सर। ये सीट बहुत ही घटिया लेवल का है, देखो कुल मिला के देखो यूआर की कितनी है, 12 सीट है। ये नहीं भी गया ना यूआर की यांत्रिक में तो 80+ जाने वाला है या फिर 80 के करीब रहने वाला है, ध्यान से सुनना 80 के करीब, चाहे आप किसी का भी फील कर रहे हो 80 के करीब जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर जरूरत से ज्यादा आपने नहीं फेंक दिया इसके अंदर, फेंकने वाली बात है क्योंकि ट्रेड से निकल रहे हाल फिलहाल बच्चे, ट्रेड वाले में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और सेक्शन वन के भी अंदर स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ओबीसी का मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, ठीक है, मुझे ओबीसी का आइडिया नहीं लगा, बट यूआर का कह सकता हूँ कि 80 के करीब जाएगा। ओबीसी वाले ऑब्वियसली 80 से कम ही रहेंगे, बट ठीक है यांत्रिक का 80 से नीचे मुझे नहीं लगता कि यूआर का जाएगा, बट अगर आपको लगता है तो आप इस भ्रम में रह सकते हो। बाकी हाँ ठीक है चलो, भ्रम में क्या रहना, आप आराम से फिजिकल की तैयारी करो और क्या कर सकते हो, बाकी पढ़ना वढ़ना तो है नहीं। और हाँ पढ़ाई साथ में रहना, बिकॉज इसके आगे आपका ये है क्या कहते हैं एयरफोर्स है, नेवी, SSR, MR है। और फिर से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग सारे लोग हैं ना, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाओ अगले एग्जाम के लिए, जो अभी फिलहाल का टेस्ट सीरीज है ना उसी को लगाओ अगले एग्जाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक
ठीक है, पिछली बार आपने इस बार की इतने देर कर दिया था, अगली बार की तैयारी आज से और अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जाओ जाके फटाक से करो। और फिर से एक बार कहूँगा कि जिसको जिसको ये एनालिसिस खराब लगा, काम करो अपना, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं आपको ट्रस्ट होगा, मान लेना, नहीं मानोगे रिजल्ट आएगा, खुद मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाय बाय।